देश में कोरोना पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते देखे जा रहे हैं यहीं प्रदेश में भी कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा इसी के चलते सभी जिलों के प्रशासन सख्ती अपना रहा है और नागरिकों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी जा रही है वहीं इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है और लगातार कार्रवाई करते हुए ठेला लगाने वाले व्यवसायियों और दुकानदार जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई जो इस और इशारा कर रही है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी अपना कहर बस गरीबों पर बर रहे हैं जी हाँ हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें गरीब व्यक्ति जो ठेले पर नारियल पानी बेच अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए निकला था उसे नगर निगम के कर्मचारियों ने रोक लिया और उसका ठेला जब्त करके ले जाने लगे व्यक्ति रोता रहा, बिलखता रहा, रहा बिलखता हाथ जोड़कर कहता कि मैं अपने परिवार को संभालने वाला हूँ मैं अपनी माँ का पेट पालने के लिए यह सब कर रहा हूँ मेरे साथ ऐसा मत करो लेकिन निगम कर्मचारियों ने अपनी मनमानी के आगे एक नहीं सुनी और गरीब की रोजी रोटी की जीविका को उससे छीनते दिखाई दिए ये वीडियो रामबाग स्थित पेट्रोल पंप के पास का है इसके पहले हाल ही में एक और वीडियो सामने आया था जिसमें ठेला व्यवसायियों को हटाने पहुंचे निगम कर्मचारियों ने एक छोटे बालक का ठेला जिसमें वो अंडे बेच रहा था उसे पूरे तरीके से उलट दिया था जिसे बालक का काफ़ी नुकसान हुआ था सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और इस वीडियो के वायरल होने के बाद निगम कर्मचारियों पर जाँच भी बैठाई गई थी हमने मान लिया कि निगम कर्मचारी शासन के नियमों का पालन करवा रहे हैं वो उनका काम कर रहे हैं लेकिन नियमों का पालन करवाने का या किसी को समझाइश देने का एक तरीका भी हो सकता है इस तरह से किसी मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाने वाले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर उसके आजीविका के साधन को नुकसान पहुंचाना भला कहां तक सही है सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर अपडेट्स